केंद्र सरकार की सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम से बागेश्वर में किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। किसान अपनी मिट्टी के नमूने कृषि मृदा केंद्र में ले जाकर परीक्षण करा रहे हैं। इससे उन्हें उनके खेत की मिट्टी के बारे में जानकारी मिल रही है, मिट्टी में किस चीज की कमी है और इसके लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। ये पता चलने से किसानों की मिट्टी उपजाऊ हो रही है और उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी हो रही है। इस पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। बागेश्वर में सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम से जुड़कर किसानों की मेहनत अब रंग लाने लगी है। पूरी मेहनत के बावजूद मिट्टी की गुणवत्ता में कमी होने पर किसानों को पूरा उत्पादन नहीं मिलता था, जिससे उनकी आय भी कम होती थी। जब किसानों को केंद्र सरकार की सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की जानकारी मिली तो उन्होंने अपनी जमीन की मिट्टी का परीक्षण कराया। मृदा परीक्षण केंद्र से जांच के बाद मिट्टी में पाई गई कमी को दूर करने के लिए विभाग ने किसानों के खेतों में दवा का छिड़काव भी किया। धरती स्वस्थ हुई तो अनाज और बागवानी में भी बढ़ोतरी हुई। ये सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया और क्या क्या कमियां हैं मिट्टी में, और वो फिर यहाँ आते भी रहते हैं, बताते भी रहते हैं, और उसी के आधार से मैं जो भी उद्यान लगाता हूँ या उत्पादन करता हूँ तो उन्हीं के द्वारा ये सारी गतिविधि करता हूँ। और जो भी उद्यान लगा रखा है या सब्जी उत्पादन कर रखा है, ये सारे वो लोग मुझे प्रेरणा और प्रशिक्षण देते रहते हैं। किसानों को इस योजना के तहत मृदा सेहत का एक कार्ड दिया गया है, जिसमें उनकी मिट्टी के बारे में जानकारी दी गई है। मिट्टी की गुणवत्ता का अध्ययन करने के बाद किसानों को बताया जाता है कि इस मिट्टी में वे कौन सी फसल उगाएं जिससे उन्हें ज्यादा लाभ हो। उन्हें ये भी बताया जाता है कि उनके खेत की मिट्टी को किन पोषक तत्वों की जरूरत है, किस तरह की खाद प्रयोग करनी चाहिए। साथ ही उन्हें फसल के तापमान और बारिश संबंधी जानकारी भी दी जाती है। किसान इस योजना से जुड़कर बेहद प्रसन्न हैं। इनके द्वारा जो सॉइल टेस्टिंग कराया गया तो उससे हमें एक तो खाद की बचत हुई, दूसरा जो खाद की जरूरत है वो खाद डालने से उपज की वृद्धि हुई, और उससे आय में हमारी काफी वृद्धि हुई है। मृदा परीक्षण केंद्र में खेत की मिट्टी की पीएच वैल्यू, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक, आयरन, मैग्नीज और पोटाश की मात्रा का पता लगाया जाता है। फसल की जरूरत के मुताबिक मिट्टी में संतुलित मात्रा में खाद डाली जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मिट्टी के संतुलन और उसकी उर्वरकता को बढ़ावा देना है, जिससे किसानों को कम कीमत में अधिक पैदावार मिल सके। जिले की मिट्टी में फास्फोरस की कमी है, उसके लिए हम कृषकों को डीएपी डाईमोनियम फास्फेट डालने की सलाह देते हैं, जिससे किसानों की फसलों में अच्छा पैदावार होता है, और जिससे देखते हैं कि किसान और भी कृषक जागरूक हो रहे हैं और मृदा नमूने जाँच के लिए लैब में प्राप्त हो रहे हैं। तो सभी कृषकों से मैं और भी आपके माध्यम से चर्चा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मृदा नमूने की जाँच कराकर अपनी खेत की मिट्टी की किसी में नाइट्रोजन, फास्फोरस या ऑर्गेन कार्बन, सल्फर और बोरों की किसी में कमी हो वो जांच कराएं और अपने खेत की उपज को बढ़ाएं। फसल में कई बार कई तरह के रोग लगते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड से किसानों को मिट्टी की कमी दूर करने के उपाय भी बताए जा रहे हैं, जिससे उनकी खेती बेहतर हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृदा परीक्षण योजना का शुभारंभ करते समय स्वस्थ धरा खेत हरा का नारा दिया था। बागेश्वर में ये फलीभूत होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून।